वीडियो फैशन डेवलपर्स, मेरा नाम शहरोज है और आज हम इस 5 मरले के फर्निश घर में आए हैं। तो पहले आपको एक पूरे घर का रिव्यू देते हैं, पूरे घर के लुक दिखाते हैं, उसके बाद हम डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद अगर हम टर्न करें तो हमारे बिल्कुल बैक साइड पे किचन है और हमारे उसके साथ एक रूम आएगा और यहाँ से स्टेयर्स जाती हैं अपर पोर्शन की तरफ और स्टेयर्स के नीचे की जो स्पेस होती है उसको भी वेस्ट नहीं जाने दिया, उसको भी यूटिलाइज किया गया है और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा वॉशरूम बना दिया गया है। इसके बिल्कुल सेंटर में एक एग्जॉस्ट हुड दिया गया है और उसके बिल्कुल नीचे ही आपको 3 बर्नर का हॉब नजर आएगा, एशम कंपनी है इसकी। इसका बेनिफिट ये होता है एग्जॉस्ट हुड का कि आपका जो भी स्मोक होता है, चूल्हे से जितना भी स्मोक आपका निकलेगा वो आपके किचन को काला नहीं होने देता और सारा स्मोक यहाँ से ये ऊपर डक्ट आपको नजर आ रही होगी, इस डक्ट के थ्रू बाहर चला जाता है। अगर नॉर्मली घरों में जब ये चीज नहीं लगी हुई होती तो यहाँ पे आपको जो आपका एग्जॉस्ट यहाँ पे नहीं होता वो स्मोक की वजह से आपकी बहुत ज्यादा काली हो जाती है, अक्सर आपने घरों में देखा होगा, तो इसका एक बड़ा फायदा होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज के लिए काफी सारी स्पेस नजर आएगी। एक बड़ा यूनिक स्टाइल में इसके कैबिनेट्स बनाए गए हैं और इसके जो हैंडल्स हैं वो नहीं दिए गए बल्कि इसके अंदर ही इसके बिल्ड इन जो डिजाइन है उसके अंदर ही इसके हैंडल्स हैं और ये आपको स्टोरेज की स्पेस नजर आ रही होगी, अंदर काफी ओपन स्पेस है, अपनी आप क्रॉकरी वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं और काफी आपको ये स्टोरेज मदद देगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आए तो आपको एक बड़ी कवर्ड मिलेगी जिसके अंदर एक 12 बास्केट वाला टंडम यूनिट लगाया गया है। इसकी 6 बास्केट अंदर चली जाती हैं और ये 6 बास्केट हैं जहाँ पे आप अपनी स्मॉल बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं और यहाँ पे आपकी क्रॉकरी प्लेट्स वगैरह रखने के लिए ये काम आता है। इसके बाद अगर हम टर्न करें तो ये हमारा एक हायर का फ्रिज है और आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत है ये फ्रिज है, ये भी आपको इस घर में इसके साथ ही मिलेगा। बाकी अगर हम इसके जो ड्रॉर्स हैं जो आपकी कटलरी होती है, कटलरी के लिए स्पेस देखें जो कि नॉर्मली होता है बड़े स्मॉल बनाए हुए होते हैं और आपकी जो स्पेस है वो प्रॉपर स्पेस नहीं आती, तो इसके अंदर आपको प्रॉपर ये खाने पीने में नजर आएंगे अपनी आप जितने भी आपकी कटलरी है जो आपके छुरी चम्मच कांटे उनकी प्रॉपर एक स्पेस बनी हुई है और उसमें आप रख सकते हैं, मतलब आपकी कम से कम स्पेस में बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल हो सकती हैं, आप रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अपने सिंक की तो ये हमारा सिंक है और बड़ा ये एक मॉडर्न और यूनिक स्टाइल का ये सिंक इन्होंने बनाया है और मतलब आपकी ये मूवेबल है, जो भी आपने चीजें वॉश करनी हो यहाँ से भी वॉश कर सकते हैं। प्लस इसके साथ ये दूसरा आपको नजर आएगा जो कि फिक्स है, जैसे आपका नलका होता है उस टाइप का ये, और प्लस जो ये जाली इसके साथ दी गई है इसमें भी अपनी चीजें रख के वॉश कर सकते हैं। इसके बिल्कुल बैक साइड पे आपको एक लॉन्ड्री के लिए स्पेस मिलेगी, यहाँ से हम बाहर आते हैं, ये हमारी लॉन्ड्री स्पेस है, यहाँ पे आपको इसके नलके नजर आएंगे, अपने आप कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बाहर अपने बेडरूम की तरफ। इसके बिल्कुल राइट साइड पे हमारा बेड है, हम यहाँ से आते हैं और इसके बिल्कुल सामने एक विंडो है, यहाँ पे एक बेड दिया गया है और अगर हम टर्न करें तो यहाँ पे एक मिरर लगाया हुआ है इसके इस साइड पे और ये आपको मिरर नजर आएगा। बाकी इसके जो 2 साइड टेबल्स हैं वो लगाए गए हैं और इसमें सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं जो इसकी सीलिंग है, रूम की सीलिंग बड़ी जबरदस्त है, उसकी लुक देखें पहले। जी तो सीलिंग के बाद हम अगर बात
करें अपने वॉशरूम की, जो कि एक रूम में बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, तो आपके यहाँ पे आपको बड़ा खूबसूरत सा वॉशरूम नजर आएगा। अच्छा, यहाँ वॉशरूम के अंदर आते हैं, आपको अंदर दाखिल होकर साथ पहले एक बैलकनी नजर आएगी जो कि बड़ी ही खूबसूरत यहाँ पे बनाई गई है और एक मिरर दिया गया है। बाकी इसके अगर हम टायर्स की बात करें तो बड़ी खूबसूरत यहाँ पे ग्रे और व्हाइट कॉम्बिनेशन में टायर्स दी गई हैं। और बाकी आपको यहाँ पे कमोड नजर आएगा लगा हुआ, और ये इसकी जो शॉवर की स्पेस है, और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए ये आपको विंडो नजर आएगी लगी हुई। ये था जी हमारा वॉशरूम। अब हम आते हैं वापस अपने रूम की तरफ। अच्छा जी, अब हमारे बिल्कुल बैक साइड पे जो वॉल है, यहाँ पे वॉल के अंदर ही इंस्टॉल की गई है ये कबर्ड। वैसे तो कबर्ड की एक स्पेस होती है, मतलब कि वॉल के अंदर ये बिल्ट इन नहीं होती, अंदर फिक्स नहीं की गई होती, जो कि आपके रूम की काफी ज्यादा स्पेस ले लेती है, आपका रूम काफी कंजेस्टेड हो जाता है। तो बड़ी जबरदस्त चीज है ये, आपके रूम की स्पेस को कंजेस्टेड ना करते हुए एक कबर्ड दी गई है यहाँ पे, जिसके अंदर इतनी स्पेस है कि दो तीन बंदे भी आराम से आ सकते हैं यहाँ पे। और बड़े ही जबरदस्त मटेरियल की ये बड़ी अच्छी वुड की ये बनाई गई है कबर्ड, और जो इसके ऊपर टेक्सचर है चेक टेक्सचर की, ये इसके ऊपर लैमिनेटेड है, बड़ी खूबसूरत वुड है। बाकी हम यहाँ से बाहर आते हैं, और जो हमारी स्टेयर्स है, ये हमारा जो ग्राउंड पोर्शन था, हमारा ग्राउंड पोर्शन पूरा हो गया है, और उसके बाद हमारे बिल्कुल इस साइड पे स्टेयर्स होंगी। अभी हम स्टेयर्स से ऊपर वाले पोर्शन की एक लुक देखते हैं, तो लेट्स मूव। अच्छा, ये हमारा अपर वाला पोर्शन है। अपर वाले पोर्शन में आएंगे तो हमारे यहाँ पे तीन रूम्स हैं, ये रूम नंबर 1 है, यहाँ पे ये रूम नंबर 2 है, और इस साइड का अगर आएंगे तो ये हमारा रूम नंबर 3 है। ये मास्टर बेड है, बाकी दो रूम छोटे हैं, तो पहले मास्टर बेड की तरफ चलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। हम रूम में दाखिल होते हैं और बड़ा खूबसूरत सा एक यहाँ पे एरिया दिया गया है, जिसके बीच में बेड और साथ दो आपको इसके साइड टेबल्स नजर आएंगे, और यहाँ पे स्पेस है, इस साइड पे आपको वॉशरूम है, प्लस यहाँ पे आपकी कबर्ड, जैसे नीचे हमने पोर्शन में देखी चेक वाली कबर्ड सेम वैसी कबर्ड है। वॉशरूम में ये 2-डोर वॉशरूम है, मतलब इसकी जो एंट्रेंस है वो दोनों साइड से है, इस रूम से भी इसकी एंट्रेंस है और इस रूम से भी इसकी एंट्रेंस है, और दोनों रूम ये यूटिलाइज कर सकते हैं वॉशरूम। तो यहाँ से हम आते हैं अपने दूसरे रूम की तरफ, ये हमारा रूम नंबर 2 है, यहाँ पे हम आते हैं, हमारे लेफ्ट साइड पे आपको एक विंडो नजर आएगी, और यहाँ पे कर्टन्स दिए गए हैं, बाकी आपका ये बेड है, साथ दो इसके साइड टेबल्स हैं। इस बेड रूम में आपको कबर्ड की सहूलत मौजूद नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा साइज में छोटा है। आपको पता है 5 मरले के घर में नॉर्मली जो रूम्स होते हैं वो 2 ही रूम्स होते हैं, तो इन्होंने 3 रूम्स बनाए हैं, डेफिनेटली थोड़ा सा जो साइज है 2 रूम्स का वो उसी हिसाब से होगा। तो ये हमारा बेडरूम था, अब हम चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 3 की तरफ। तो ये है कि हमारा बेडरूम नंबर 3, और यहाँ से हम दाखिल होते हैं, सामने इसकी विंडो है, प्लस यहाँ पे एक छोटी सी विंडो दी गई है, जिसके ऊपर आपको रोल ब्लाइंड लगी हुई नजर आएगी, प्लस यहाँ से आपको जो स्पेस है टेरेस की वो भी यहाँ से मिलती है। ये हमारा टेरेस है, टेरेस में आप आते हैं तो यहाँ से आपको पूरा व्यू नजर आता है स्ट्रीट का, और काफी ओपन टेरेस है यहाँ पे, काफी खुला टेरेस है, यहाँ पे ग्रिल नजर आएगी, और यहाँ पे ग्लास मिरर जो ग्लास होता है वो लगाया गया है इसकी ग्रिल की जगह पे। तो अब हम आते हैं वापस अपने रूम के अंदर। रूम के अंदर हम आए हैं, और यहाँ पे हम टर्न करते हैं तो हमें स्पेस मिलेगी। अच्छा, ये यहाँ पे हमारा वॉशरूम है, और इसके यहाँ तो आपको 2-डोर कबर्ड मिलेगी, उसके बाद आपके ड्रॉर्स वाला कबर्ड के अंदर यहाँ पे मतलब स्पेस, नॉर्मल स्पेस के लिए, नॉर्मल चीज रखने के लिए ठीक है। बाकी ये आपको वॉशरूम है, वॉशरूम में कमोड हो गया, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो हो गई, और ये आपका सिंक हो गया। तो बाकी जो रूम में आपको एसी इंस्टॉल नजर आएगा, हायर का ये डीसी इन्वर्टर लगा हुआ है, हायर का डीसी इन्वर्टर है, और बिल्कुल ब्रांड न्यू एसी आपको यहाँ पे लगा हुआ नजर आएगा। यह था हमारा अपर वाला पोर्शन, और अब हम यहाँ से चलते हैं अपनी रूफ की तरफ, छत की तरफ। अच्छा, जो यह सेकंड पोर्शन है, यहाँ पे किचन नहीं दिया गया, किचन की जगह पे यहाँ पे आपको रूम्स बना दिए गए हैं, 3 रूम बना दिए गए हैं। तो कोई बंदा ये घर लेगा, मतलब एक ही फैमिली को दोनों पोर्शन यूटिलाइज करने पड़ेंगे, जैसे क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में आपको किचन नहीं दिया गया। बाकी हम आते हैं यहाँ पे रूफ पे, छत पे, नीचे इसके चिप्स लगाए गए हैं, और काफी ओपन स्पेस है, यहाँ पे पानी की टंकी आपको लगी हुई नजर आएगी, और इसके साथ ही आपको सर्वेंट रूम यहाँ पे मिल जाएगा। सर्वेंट रूम भी मतलब नॉर्मल रूम एक बना हुआ है, इसके साथ ही आपको एक अटैच वॉशरूम भी मिल जाएगा।
सर्वन के इस्तेमाल के लिए। हमारा पांच मरले का बड़ा खूबसूरत सा डिजाइनर घर जो कि अली ब्लॉक में बैरी टाउन के फ्लैट में है, और आपको इसके फर्निश का इंटीरियर का रिव्यू सारा देना था। और ये घर सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, ये घर फिलहाल रेंट के लिए अवेलेबल है। तो बाकी सेकंडली कंप्लीट आपको इसका हमने रिव्यू दे दिया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और उस पर शेयर लाजमी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की ही घरों से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।